दोस्तों सभी लगता है कि अमीर तो वही बन सकता है जिसके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा हो या फिर अच्छी एजुकेशन हो। और कुछ लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए ये सब नहीं तो कम से कम अपने बिजनेस की जरूरत तो है ही। लेकिन इन सभी नोशंस को ध्वस्त करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था रोवान रीड, जो कि एक पेट्रोल पंप में काम करता था और बाद में एक स्वीपर की तरह काम करने लगा। और इस जॉब में रहते हुए इसने अपने लिए 64 करोड़ रुपए जोड़ लिए थे। ये कहानी बहुत तरीकों से खास है क्योंकि सभी को रोनाल्ड की वेल्थ का पता उसके मरने के बाद चला। जब रोनाल्ड की मौत हुई तो फैमिली उदास थी, लेकिन तभी उन्हें उससे भी बड़ा शौक लगा। उन्हें पता चला कि रोनाल्ड अपने पीछे 80 लाख डॉलर्स यानी कि 64 करोड़ रुपए छोड़कर गए। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर कैसे जिस इंसान ने सारी जिंदगी बहुत ही लो प्रोफाइल जॉब्स की उसके पास इतने पैसे कहां से आए। और अगर रोनाल्ड के पास इतने पैसे थे तो आखिर उसने कभी अपने लिए कोई बड़ा घर गाड़ी या फिर कुछ क्यों नहीं खरीदा और वो काम ही क्यों करता रहा। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, रोनाल्ड को अमीर होने और वेल्दी होने का फर्क पता था। आप चाहें तो एक बड़ा घर और एक बड़ी गाड़ी खरीद कर अमीर दिख सकते हैं, अमीर फील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वेल्दी नहीं है क्योंकि इन दोनों ही केसेस में आपके ऊपर लोन रहेगा, आपको EMIs भरनी पड़ेंगी और साथ ही आप इस बोझ के कारण जो भी उस वक्त जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको लगातार पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी। पैसे का मेन फंक्शन आपको फ्री करना है ताकि आप अपने हिसाब से लाइफ जी सकें, जब चाहे आप उठ सकें, जब चाहे काम करें, जब चाहे ब्रेक ले सकें। रोनाल्ड को फ्री रहना था इसलिए वो कभी इस जाल में नहीं फंसे और हमेशा ही वेल्थ क्रिएट करते रहे। उनके लिए पैसा कमाना उनकी नीड नहीं था बल्कि इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए गेम की तरह थी जिसमें वो रोज बेहतर होना चाहते थे। साथ ही उन्हें ये भी पता था कि घर और कार दोनों ही डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, यानी वो चीज़ हैं जिनकी वक्त गुजरने के साथ वैल्यू हमेशा कम होती रहती है। शोरूम से निकलने के बाद एक कार की कीमत 30% तक कम हो जाती है। इसके मुकाबले अगर आप जमीन खरीद कर या स्टॉक खरीद रहे हैं तो उनकी वैल्यू ज्यादातर केसेस में हमेशा बढ़ती रहेगी। रोनाल्ड का लाइफ को लेकर क्या नजरिया था ये उनकी वसीयत से भी पता चलता है। जो $8 million उन्होंने अपनी जिंदगी भर कमाए थे उनमें से $2 million वो अपने बच्चों के नाम कर गए थे, लेकिन उन्होंने $4.8 million उस हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए थे जिसके कैफेटेरिया में वो खाना खाने जाते थे। इसके अलावा उन्होंने $1.2 million उस लाइब्रेरी को भी डोनेट किए जहाँ उन्होंने किताबें पढ़कर ये सब कुछ सीखा था। रोनाल्ड की कहानी में हमारे लिए सीखने के लिए काफी कुछ है। पहला तो यही है कि अगर रोनाल्ड बुढ़ापे में एक लाइब्रेरी जाकर कुछ सीखने की इच्छा रख सकते हैं तो हमें आखिर कौन रोक रहा है। रोनाल्ड ने ना सिर्फ किताबें पढ़ी बल्कि इस नॉलेज को अप्लाई किया और कभी इस बात को लेकर वो घमंडी नहीं बने। उन्होंने कभी शो ऑफ करने के लिए कोई महंगा सामान नहीं खरीदा, अपने घर वालों तक को नहीं बताया कि वो कितने अमीर हैं, बस काम करते रहे और आराम से अपने हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी बताई। जब इस जिंदगी को अलविदा कहने का भी वक्त आया तब उनके मन में कोई लालच नहीं था, उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा डोनेट कर दिया ताकि जिस समाज ने उन्हें बनाया था वो पैसा उसी समाज की बेहतरी के काम आ सके। रोनाल्ड और एक लॉटरी जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा फर्क था कि पैसे ने रोनाल्ड को नहीं बदला और इसीलिए वो पैसा उनके पास हमेशा रहा और आज भी उनकी बात की जा रही है।